नमस्ते भारत। हम बलराम किशान बड़वानी मध्य प्रदेश से जोधपुर में हूँ। रेगिस्तान को वापस राजस्थान बनाना है। आपको यहाँ का विश्व का सबसे अच्छा किला दिखाता हूँ, मेहरगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़। मेरे साथ है भैया ओम प्रकाश जी पाटीदार। आप एग्रीकल्चर विभाग से अभी रिटायरमेंट शिप ली है और समर्पण के साथ किसान पाठशाला को डेडिकेट होते हुए किसान पाठशाला में शामिल हुए हैं कि आगे का जीवन किसानों के लिए और जीव जीवस्य जीवनम के लिए बिताएंगे। कैसे दिखेगा किला आपको दूर से भी समझ में आएगा। राजस्थान राजा होन की नगरी। और एक मैंने और सुना था कि राजस्थान राजा होन की नगरी है, और एक चीज और मैंने सुनी थी यहाँ पर कि रज मतलब मिट्टी और मिट्टी का स्थान। इसे सही उच्चारण इसका है, रज मतलब धरती माँ और स्थान मतलब जहाँ सही मायने में स्वर्ग है राजस्थान। लेकिन कुछ समय से राजस्थान बहुत गड़बड़ है, रेगिस्तान बन गया है। और अभी किसान पाठशाला ने पहल करी है, पूरा राजस्थान साथ में आ रहा है रेगिस्तान को वापस राजस्थान बनाने के लिए। मैं हूं आज जोधपुर में और काफी सुंदर है जोधपुर, और जोधपुर के निवासी भी काफी अच्छे हैं। यस, दूर से भी दिखना प्रतीत हो रहा है कि किला किस टाइप का है। यहाँ के मकानों की बनावट भी जो राजस्थान के उनको तो पता है कि क्लासिक रहते हैं, पत्थर के डिज़ाइन रहते हैं, लेकिन जो बाहर से आएंगे देखने के लिए उनके लिए मैंने ये बाइट तैयार किया था कि आपको समझ में आए राजस्थान कितना क्वालिटी पर्सन प्रोग्राम है। ऊपर एक छोटा ताजमहल भी बोला जाता है, एक साइड में है जो, और बाकी किला तो अपने आप में विश्व का सबसे अच्छा किला है ये जोधपुर का। ये भारत के इतिहास हैं। यस, लाल पत्थरों के बीच में बसा हुआ। मैं दूर से बाइट इसलिए ले रहा हूँ कि आपको समझ में आएगी उसकी भव्यता और वो कितना बड़ा है। यस, काफी सुंदरतम। और ये जस्ट एक सेंटर है, लेकिन पूरी दीवारें वॉल पूरा इसका सिस्टम शब्दों में बयान नहीं हो सकता। यस, ये एक छोटा सा अंश है पूरे किले का, बाकी पूरा आगे और दिखाता हूँ मैं आपको। ये एंट्री है मेहरानगढ़ की, और सामने मेहरानगढ़ किला है। पूरा भारत किसान पाठशाला के साथ देखेगा अभी मेहरानगढ़। पूरा भारत यहाँ पर विजिट के लिए आता है। अति सुंदर और काफी भव्य है। इसकी दीवारें बहुत दूरों तक फैली हुई है, जो चाइना की वॉल कहते हैं हम उस टाइप से। यहाँ के किले की खुद की अपने आप में भव्यता है। यस, ये पार्किंग स्टैंड है।
आगे तक अगर देखेंगे हम तो काफी सुंदरतम है जी। अभी हम यही बात कर रहे थे कि उस समय इसे मेंटेन कैसे करते होंगे। हमसे अभी एक छोटा सा 20x20 का मकान मेंटेन करने में दिक्कत आती है और भारत के राजाओं ने इतने अनंत और अनेक किले मेंटेन किए हैं जो अपने आप में एक सुंदरतम दृश्य है। कबूतरों की आवाजें बहुत सारी आ रही है। क्यू कतार पद्धति है जबका कोविड स्क्रीनिंग हो रहा है, सैनिटाइजेशन हो रहा है, इस तरीके से अंदर विजिट के लिए जाने दिया जा रहा है। हर एक कोना, हर एक हिस्सा अपने आप में सुंदरतम है। रोड पे पूरा लाल फर्श लगा हुआ है। पार्किंग बाहर ही हो जाता है। यस, ऊपर कुछ तो एक चक्का बना रखा है जिससे कुछ सामान उतारने चढ़ाने के लिए करते होंगे शायद। एक पार्किंग ऊपर है, ये शायद पार्किंग आज पैक हो गई होगी। स्क्रीन प्रोसेस है। पहले एंट्री, छोटा गुंबज, किले की दीवार एकदम खड़ी है। और ये कितने फीट होगी अंकल? ये इसका ये भव्य फोटो डिटेल्स 100 फीट। और ऊपर वो चक्का लगा रखा है जिससे कुछ सामान उतारने चढ़ाने का काम करते होंगे। ये किले का गेट है। दरवाजा शायद मेरे जैसे व्यक्ति से खुलेगा नहीं। ये दरवाजा इस तरह का किले का गेट है। भारत की सुंदरता क्या है ये हमें जब देखते हैं जब ही पता चलता है। अरे बाप रे, लकड़ी का है, उसके ऊपर लोहे की चद्दर है। नहीं, पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे हैं। कबूतर हर जगह मिल जाएंगे। यस, अति सुंदर। धूम्रपान निषेध है यहाँ पर। कुछ भी गड़बड़ी वाला काम नहीं चलेगा। टिकट काउंटर, टिकट लेना ही पड़ेगा और आपकी एंट्री होगी अंदर। काउंटर, टिकट काउंटर है। 300 की स्लिप बनेगी आपको यहाँ पर विजिटर के हिसाब से। अनंत इतिहास है इस किले का, बहुत बड़ा इतिहास है जो मुझे पता नहीं है, आज मैं मालूम करूँगा। और ये एक किले का डेमो स्टॉल है। जी सर, हाँ टिकट हो गया सर। यस, हम अभी एंट्री कहाँ से किए हैं? ये म्यूजियम पार्ट है। अच्छा, म्यूजियम यहाँ पर है नीचे। अच्छा, यहाँ पर अभी हम हैं, शुरुआत करी है। यहाँ से फिर ऐसे ये लिफ्ट, ये वाला एंटर करें। ओके, यहाँ पर लिफ्ट है। ओके, हम अभी यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से एंट्री करे हैं। और ये वाला हिस्सा जो है वो ये सामने दिख रहा है किले का। और ये पूरा म्यूजियम पार्ट है यहाँ पर, म्यूजियम अंदर। और
आप लोग इसे गूगल मैप पर ऊपर जूम करके सैटेलाइट से देख सकते हैं, वैसे ही मैं दिखा रहा हूँ कितना भव्य और बड़ा है। इसकी जो परिधि है काफ़ी बड़ी है। ये शॉट में दिख रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ एक बिंदु के मान से, और इस तरीके से पूरा दिखेगा। यस, आइए देखते हैं। ओके, पैदल ही जाएंगे। थैंक यू जी, हाँ जी टिकट हो गया भाई साहब। कबूतरों ने अपने घरों में बना कर रखे हैं, पक्षी अपना काम कर ही लेता है। ट्रैकिंग के लिए भी कुछ है यहाँ पर, इस किले में ट्रैकिंग प्रोग्राम भी देख सकते हैं। ऐसी जगह पर आने के बाद लगता है कि वाकई में मैं भारत में हूँ। जी अंकल, ऐसा समझ में आता है कि हम भारत में हैं। यस, यहाँ पर एक अंदर शॉप भी है, जोधपुर के कुछ लग्जरीज आपको लेना हो तो यहाँ पर मिलेंगे। टी शर्ट्स है, आभूषण है, नाश्ता है करने के लिए, चाय कॉफ़ी है। राम राम जी। जी आते हुए देखते हैं अंकल इसको। यस, ओहो ऊपर खिड़कियों से कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं। व्यक्ति है ऊपर खिड़कियों पे, और सारा स्टाफ भी यहाँ पर जो प्रशासन का है, शासन का है, एकदम कोऑपरेट करता है। यहाँ का गेट था ये, जो अभी धरोहर के रूप में रखा है बाहर करके। मेरे जैसे तो हिल नहीं सकता ये गेट, इतना हेवी है। किले के बारे में कुछ लिखा हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं, पहले हिंदी वाला मैं दिखाता हूँ। यस, आप पढ़ लीजिए सारा कुछ जोधपुर के बारे में। तोप गोले के निशान 1808 के वो दर्शाए गए हैं, और ये इंग्लिश में है, ये समझ में आएगा अंग्रेजों को जो अंग्रेजी जानते हैं। ओके, ये गेट की एंट्री, पुनः एक एक पग आह्लादित करता है आपको। किले का एक एक पग, एक एक क्षण आपको, ये छोटी छोटी कोठरियां हैं अंदर बैठने के लिए। हाँ भाई साहब, राम राम। यस, ये राजस्थान की सुंदरता है। सुंदरता को प्रणाम। बहुत अच्छा लगा। ये यहाँ पर कुछ तोपे हैं और पुराने जमाने में तोप कैसी हुआ करती थी ये पता चलेगा आपको। ये है तोपे, कोई अगर किले पर गड़बड़ करे तो उसको रोकने के लिए यहाँ से उसे रोका जा सकता था। यस, ये नीचे का एक गेट बंद है। बहुत ही बड़ा और सुंदर किला है। चौकेवाल बाग,
ये कुछ और गाइडलाइंस है यहाँ पर किले के बारे में। इस पुश करके आप पढ़ सकते हो वीडियो को पोस्ट करके, और ये अंग्रेजी में आइए। मन ऐसा करता है यहीं पर बस जाए, अभी तो हमें सुंदरता निहारते निहारते ही चल रहा हूँ। शब्द तो नहीं है बयां करने के लिए, महसूस करेंगे। पूरे भारत को और भारत के बाहर जितने मित्र हैं सबको इनवाइट करता हूँ, जोधपुर का किला जरूर विजिट करें। ये भारत के इतिहास हैं, भारत क्या था, कैसा था, आज भी कैसा है, सुंदरतम है। ओहो हो, गजब। अभी तो मैं अंदर गया ही नहीं, बाहर ही एंट्री कर रहा हूँ। शब्द खत्म होने जा रहे हैं। शायद जो मित्र काफ़ी दूर हैं वो नहीं देख पाए, तो इसलिए वीडियो बना रहा था, क्योंकि मैं पहुंच चुका हूं राजस्थान। अभी रेगिस्तान को वापस राजस्थान बनाने की मुहिम में मैं पहुंच चुका हूं, और ये इसका कुछ डिटेल्स है। राव जोधा जी का फलसा, यस। ये गलियारा ऊपर जाने के लिए, यस। राजस्थान हर कण कण में बसा है भाई, यस। थैंक यू। एमपी बड़वानी, इंदौर के पास में है, बड़वानी जिला है। हाँ, राजपूतों ना गढ़ है वहां पर। हाँ, किला भी था, रंजीत सिंह, राजा रंजीत सिंह, यस। यहाँ का थोड़ा हमें इतिहास बताओ ना, किले का कैसा है। राठौड़, बड़वानी राठौड़ है। यहाँ का इतिहास तो बहुत लंबा है। यहाँ का इतिहास, यहाँ के जो राजा थे, यूपी में कोट कनौज है ना जी, कोट कनौज की उत्पत्ति है उनकी, इनकी। अच्छा, राठौड़ वंश की। ओके, तो कोट कनौज से यहाँ मारवाड़ में आए राव सिया जी। ओके, राव सिया जी ने मारवाड़ की स्थापना की। फिर राव जोधा जी ने जोधपुर, जोधपुर की स्थापना, राव जोधा जी। ये किला कितने समय पुराना है? ये करीब 600 वर्ष हो गए। अच्छा, थैंक यू। ये दूसरी एंट्री, और हर एंट्री पर स्वागत करने के लिए राजस्थाना व्यवस्थापन है। और ये किले के अंदर कोई प्रवेश न कर पाए, इसलिए नुकीले खिल भी लगे हुए हैं, गेट छोटा सा है।
हाथी गुजर जाए इसलिए इस तरह से बड़े गेट बनाए जाते थे। हाथियों को भी यहाँ पर आवागमन रहता था। फिर यहाँ पर एक बैठक व्यवस्था थी जो अंदर जाने के लिए गेट पास, एंट्री पास, अभी हम जैसे करते हैं उस तरह की व्यवस्था। ये छोटा सा मंदिर, और अब हम किले की मेन साइड दीवारों पर पहुँचने वाले हैं। इसे कहते हैं सही मायने में घर। साफ सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखा है। यस, एक एक पॉइंट, एक एक पद, एक एक पग सुंदर, स्वर्णिम, स्वच्छ। कबूतर ने तो अपनी जगह बनाई रखी है। फिर किले के अंदर भी आपको कुछ वस्त्रम, बेगेस वगैरह मिलेंगे। बहुत बढ़िया। ओके, शॉल और यहाँ की जो सुंदरतम चीज़ें हैं, ड्रेसेस भी है, आभूषण भी है। यस, कुछ कैफे भी है, राजशाही ठाट अंदाज में ये कैफे है। पूरी दीवार पर हुक लगे हुए हैं ताकि कुछ अगर मैनेज करने की आवश्यकता हो तो कर ले। आगे किधर से जाएंगे जी? पूरा घूमना है, आप थोड़ा गाइड कीजिए किधर से घूमें। ये म्यूजियम है ना? म्यूजियम में, यस यस, थैंक यू। म्यूजियम तो हाँ यही वाला है। आइए, हम म्यूजियम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सूरजपुर आइए। यस, दिल से जो विजिट करेगा ना, घूमेगा, उसका हृदय गदगद करेगा, आह्लादित होगा, पुलकित होगा। म्यूजियम है यहाँ, म्यूजियम को हम देखने के लिए एंट्री कर रहे हैं। राम राम शाह। यस, पहले तो आपको मैं बाहर की सुंदरता दिखा दूं और मैं भी देख लूं कैसा है। हम अभी यहां से आए थे, एंट्री करके ऊपर चढ़े हैं। आइए आइए, इधर से इधर। ये उनकी बग्गियां हुआ करती थी, माप मैप वगैरह सब कुछ लिखा हुआ। हाथी के ऊपर ये बग्गी रहता था। ये इस तरीके से हमारा भारत का इतिहास कैसे राजशाही ठाट से रहते थे। हाथी के ऊपर का बग्गी है ये, हाथी के ऊपर कैसे बैठकर ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। यहाँ पे हाथी पौधों का सुंदर कलेक्शन, 17th से लेकर 19th सेंचुरी तक के हाथी पौधे हैं। लकड़ी के ऊपर चांदी का काम किया गया, इसके ऊपर गोल्ड वर्क भी किया गया है। ये सारे अलग अलग तरह के, अलग अलग महाराजाओं के, अलग अलग समय के। इस तरफ पीछे पुरानी पेंटिंग की फोटोज मौजूद। महाराजा इस तरह से हाथी पर बैठ के सवारी के समय में, शिकार के समय में, युद्ध के मैदान में जाया करते थे। ये वाला हाथी पौधा देखिए, सबसे बेहतरीन 17th सेंचुरी का है। शाहजहां ने यहाँ के महाराजा को भेंट किया था एक हाथी और 100 घोड़ों के साथ में, और शेर का चेहरा कुछ महाराजा के चेहरे जैसी बनाने की कोशिश की गई नापरवाही से। ये सारे अलग अलग महाराजाओं के हैं, टेलर में बड़े और छोटे, इसमें लेग रूम भी कम और ज्यादा। लकड़ी का ऊपर चांदी का काम किया गया है। आइए और भी फोटो थे उस जमाने की, पुरानी पेंटिंग प्रोसेशंस के बारे में,
पूरी फेस्टिवल बैटल सीन। ये हाथी होता अलग अलग समय पे अलग अलग यूज में आया। कुछ ओकेजन पे इसको रॉयल फ्लैग कैरी करने के लिए काम में लिया गया, प्रोसेशन के समय में, शिकार के समय में भी काम में लिया जाता, चौकड़ी मारकर बैठा करते। सर अब हमारे साथ में नहीं, हम अलग से हैं। अलग से जी। ये प्रोफेशन के लिए काम में आता है, ये खासतौर पर तब काम में लिया गया कई ऑपरेटर्स पर। यार बहुत ही गजब है। यस। हाथी होदा और महाभारत भी महिला होती थी जो देखती थी। पीछे बीच में गाइड मिले थे लेकिन उनको ऐसा लगा साथ में नहीं है तो आगे पीछे हो जाए। कोई नहीं। यस। इसे बोला जाता है हाथी होता। ये बाहर एक पोर्शन से निकले हैं अभी, पाली थाना, पाल की। इधर से चलते हैं। ये ट्रिक क्या, ये ट्रिक दिखाएंगे। यस, इस तरीके से पाल की जाएगी। पालकी से बोला जाएगा। महिलाओं के लिए भी और उसके बाद वाली ये भारत का इतिहास भी गजब है। उसको दो व्यक्ति उठाते हैं और इसको इस तरीके से उठाते हैं, ये धनुष के जैसा है। फिर ये वापस दो दो चार हाथों से उठा कर ले जाना और चेयर उसके ऊपर। मोर के डिजाइन में आइए। मैं बोल इसलिए नहीं रहा हूँ कि शब्द तो हो गए खत्म। आप केवल महसूस करो, ये उस समय का हुक्का। हुक्के का चलन भी होता था, आज भी हो रहा है। हरियाणा में काफी हुक्का चलता है। ये शंकर जी के लिए हुक्का रखा है। फिर गेट अलग अलग। ये इनका बैठने का स्थान शायद होगा उस समय का। ये म्यूजियम में हम हैं अभी। इधर फॉर ऑफिस ओनली है और उस समय जो राजा जी के पास रॉल्स रॉयल थी उनका डिटेल्स है। यह म्यूजियम के दूसरे अंदर के हिस्से में है। जी, हर जगह पर मार्गदर्शन के लिए हैं, अलग अलग जगह पर, कहीं रोक टोक नहीं किसी भी प्रकार की, और सलाह सूचक देने के लिए। ओहो गजब, दौलत खान का डिटेल है। आप इसे पुश करके पढ़ सकते हैं। ये
ये तोप है। तलवारें जिनसे जंगे जीती गई, लड़ाई लड़ी गई। ट्यूबलाइट में ऐसा लपझप होगा। तलवार का इतिहास है 1707 से लेकर 1724 ईस्वी तक का, दोनों तरफ से। ये दूसरी तलवार, अलग अलग तरह की तलवारें जो उस समय युद्ध में काम में आती थी। चटाइयाँ, पर्दे थे ये, उस समय के पर्दे कैसे थे? बम्बू स्क्रीन। ये क्यों दिखा रहा हूँ मैं? ये बांस का बना हुआ है, बांस की झालरों से पर्दा बना हुआ है। यस, बम्बू स्क्रीन चीज। इस समय का पेंटिंग है महाराजा गज सिंह का। किस तरह के थे ये महाराजा? ये इनकी बंदूक, छोटा चाकू, ढाल। ढाल में भी नक्काशी की गई है। ये इनके सिर का ताज जो जंग लड़ने के लिए जाते थे जब पहनते थे। ये छोटा चाकू और ये है बंदूक उस समय की, पिस्तल सिंगल शॉट। एक 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 दिखाता हूँ। चाबियां लगी हुई है इनमें, छोटे छोटे मिनी संदूक है। पानदान, इसमें पान रखते थे। अरे बाप रे, कितनी सुंदरतम चीजें हैं। ये लकड़ी पर नक्काशी किया हुआ है। लकड़ी के संदूक है छोटे छोटे जिन पर कलाकृतियां बनाई गई है। और कैसे, कब, किसने, कितने दिनों में बनाई होगी। और ये कुछ वज्र है शायद। हुक्का जो गुड़गुड़ करके पिया जाता है, राजपूतों की शान है। इस तरीके से वो मदिरा पान करने के लिए है। ये गिलास है, अलग अलग चीजें काफी सारी है।
ये बर्तन उस जमाने के। रेलवे स्टेशन की गाड़ी, ये उनकी बग्गी, मॉडल बग्गी का, ये उनकी कार। ये ड्रेस है उनकी, चोगा, इस तरह से ये पहनते थे। नक्काशी किया हुआ है, ताले उस समय का ताला कैसा था, 1 2 3 4 चाबियां। ताला अनेक चाबियों के साथ 18वीं शताब्दी का। और ये मेन लॉक लगाया जाता था लोहे की, पूरी बनी हुई है। और ये बीच का अटैचमेंट, ये दरवाजों पर लगाया जाता था। ये उस समय की मुद्राएं, माता जी से अंग्रेजों ने एंट्री कर ली ईस्ट इंडिया। गणगौर माता हमारे निमाड़ में भी काफी मान्यता है, और ये मार्च अप्रैल के महीने में आता है। नवरात्रे एक आता है गरबे वाला, जो अक्टूबर नवंबर में आता है, और एक गणगौर आता है जो सेकेंड नवरात्रा होता है। ये उन्हीं की मूर्ति है गणगौर माता की। और ये पूरी मूर्ति चांदी की है माँ की। फिर यहाँ पे गणगौर देवी इतना बड़ा पिस्तल, बंदूक, पिस्तल तो छोटा शब्द है, बंदूक उठा करके कंधे पे रख कर गोली मारना, यही अपने आप में बड़ी कला होगी शायद इनकी।
ऊपर रोड है मसाला डालने के लिए, ये वाली साइड में ये रोड है जिसको निकाल करके इसके अंदर फिर मसाला बारूद भरते हैं। ये तोप है उस जमाने की, यहीं से आग लगाया जाता होगा टीच करके। ये मुंह बंद कर रखा है अभी, सील्ड है। ये सबसे स्पेशल पालकी है। आइए, बहुत ही सुंदर लकड़ी का रैंप, सूर्य देवता जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये एक और म्यूजियम जहाँ पर आभूषण वगैरह सब हैं। बहुत ही सुंदर है, इतिहास है राजाओं का। गणगौर जो पूजा करते थे रीति रिवाज के साथ, वो दर्शाया गया है। गणगौर पूजा का किस तरह से गणगौर माता की पूजा की जाती थी। शब्द तो है ही नहीं, गड़बड़े शब्द कम हैं, खत्म हो गए हैं। आइए, केवल महसूस कर रहा हूं मैं, मौन इसलिए हो गया था कि यहाँ के अलौकिक दृश्य को महसूस कर रहा हूं। शीश महल, फूल महल, तख्त विलास, यहां से ऊपर जाने का है इस तरीके से सीढ़ियां हैं ऊपर पहुंचने के लिए। एक सर्कल बनाया हुआ है पूरा,
एक 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 झरोके तक पहुंचने के लिए। पूजा पाठ का स्थान है ये। पर्दे इस तरह के बनते थे उस जमाने में। महल के अंदर का है। पर्दे कालीन, ये कालीन है उस जमाने का नीचे बिछाने के लिए। ये साइड के कर्टन, ऊपर का छज्जा, पूरा इसके बारे में दिया हुआ है, कालीन के बारे में। पर्दा ड्रेस जो हुआ करती थी उस समय महाराजा की, आज भी उसे संजो कर रखा हुआ है उस ड्रेस को। अंगरखा, इस तरह से महाराजा ड्रेस पहनते थे। ये फिर मैं बता दूँ, ये बांबू की काड़ियों का है। छोटा छोटा अगर इसको माइक्रोब्स देखेंगे आप, तो ये जो काड़ियाँ हैं ये बांस की है और उसके ऊपर धागे लेपित किए हुए हैं। ध्यान से अगर देखेंगे तो इस तरीके से धागे लेपित किए हुए हैं बांस की काड़ियों के ऊपर। मतलब बांबू उस समय भी कारगर था, आज भी कारगर है पर्दे बनाने के लिए। यस, हाय अंकल। कोशिश है जितना पूरे भारत को मैं जोधपुर का राजशाही दिखला दूं। कांच महल, अंदर कांच ही कांच था। आप इसे रोक रोक कर पढ़ सकते हैं, पुश करके। धीमे धीमे ले जा रहा हूँ नीचे। यस, ये कपड़े बच्चों के, यंगर के, युवराज के कपड़े। ये ड्रेस युवराज की, ये मुझे सेम वामन के जैसे लग रहा है ना मेरा मिंटू छोटू वामन, मेरा भतीजा, सेम वैसा ही चेहरा है। और ये नटखट नन्हे की ड्रेस, अचकन कहते हैं इसे, 17वीं शताब्दी की है पोशाक। ये महिलाओं की है, बच्चियों की। ये चुनरी और ये, अरे बाप रे ऊपर भी है भैया। आपकी नजर हटी मतलब कुछ चीज छुटी ये ध्यान रखना है। पूरा किला, हर कोना कोना दर्शन योग्य है। मैं बहुत सारी चीजें छोड़ूंगा आपको बताने में, बोलने में ऊपर अभी एक स्टेप क्रॉस हुई है, क्योंकि मैं आपको बताने लग रहा हूं तो मैं महसूस करना कम हो रहा हूं। ये बाहर जाने के लिए झरोखा है, फिर आइए इधर से।
ओहो गजब, ये इनका बैठक। दीदी इस चीज को क्या बोलते हैं, इस जगह को? इस जगह को फूल महल बोलते हैं। फूल रंग महल। ओके जी, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर नाच गाना वगैरह होता था। ओके, अच्छा जी, रंग महल, ये एंटरटेनमेंट जोन। एंटरटेनमेंट जोन, यस, अपनी सरल भाषा में। फूल महल, ये उस जमाने का जो पेंट है आज तक भी सोने की परत है, वो बताया ना दीदी ने, ये वाली। हाँ, वो ऊपर वाली, वो जो, हाँ वो ऊपर की है, वो सोने की। ये तो बाद में अभी रफू किया होगा इन्होंने, ऊपर जो है वो सोने की परत है ये सेंटर। हाँ, और ये उस जमाने का मल्टीप्लेक्स है इनके एंटरटेनमेंट के लिए, राजाओं के लिए। इस तरफ बैठक है, कांच है अलग अलग जगह से, ताकि एक राजा को इस तरफ से दिखे, एक राजा को उस तरफ से दिखे। अति सुंदर। ओहो गजब, यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको बाहर का नज़ारा। ये मैंने जो बोला था, तोपे रखी है किला बंदी के लिए। कबूतर अपने कार्य करते हुए। दीवार तो पूरी दूर फैली हुई है इस किले की, किला बंदी के लिए। ये अगर दीवार देखोगे आप, ये वाली मैं दिखाना चाह रहा हूँ। यस, आगे तक गई है, वहाँ भी दिखेगी आपको। ये उधर आगे तक है। जी 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 बिल्कुल। इधर से उधर, उधर से किधर, राइट में चलेंगे ऊपर, लेफ्ट में, ये वहां से अपन अंदर गए थे, अब ऊपर चलना है ना। अभी तो शुरुआत है किले की। बने रहो मेरे साथ, पूरा जोधपुर किले का दर्शन कराता हूँ, कैसा भारत का इतिहास है, राजशाही ठाट कैसा है। यस, बहुत ही बढ़िया, अति सुंदर। ये छज्जा है, गैलरी है ये। यस यस, गैलरी झरोका, ये तो बाद में लगा है लोहे का, पहले ही खुला था। हम वहां से आ रहे हैं नीचे से, उस गेट से। सेल्फी पॉइंट, फोटो पॉइंट है ये यहाँ पर। वस्त्र खाना, ये बाहर से दिखेगा आपको। यस, अभी हम हैं शस्त्र खाना, मैं गलती कर गया था, वस्त्र खाना बोल दिया था मैंने। यस, भालों की वैरायटीज। ओके, कितने तरह के हैं, पहले इसे पढ़ते हैं। तलवार बनाने की प्रक्रिया, आप पढ़ते जाओ, पुश करके रोक रोक के पढ़ लेना। ये बांबू का है भाई।
ये सारे बाम्बू है, सारे ही भाले बाम्बू के हैं। हाँ, ये केवल एक लोहे का है, ये भी शायद ऊपर परत है, बाकी सारे भाले बांस के हैं। फिर से कह रहा हूँ, बाम्बू। यस। सभी तरह के उस समय के अस्त्र शस्त्र कैसे हुआ करते थे। बंदूक उस जमाने की। ड्रैगन का मुंह। ये बंदूक अलग अलग टाइप्स, अलग अलग तरीकों के, कंधे पे रखने के तरीके अलग अलग। तलवार, ये कैसे सांप के जैसे, दो धारी एक धारी, दोनों तरफ से कटीली नोक अलग अलग। ये उनके कवच, ये सिर के लिए। और ये ढाल, कुछ आभूषणों से जड़ी हुई, और इनमें चेहरे लगे हुए हैं। ढाल के अंदर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सीने का बचाव करने के लिए, सीना और पीठ। ये हाथों के लिए, लोहे की जंजीरों से बना हुआ था, उंगलियों का सेव वगैरह। इधर से जाएंगे आगे। यस, जगह जगह डायरेक्शन दे रखे हैं, आपको किला विजिट करना है तो। ओहो, क्या गजब है जी ये। और एक कमरा महल, ये फिर एंटरटेनमेंट के लिए है, चौपासे रखे हुए हैं, मनोरंजन कैसे करें उसके लिए। यस, आइए इधर से ही है आगे। थैंक यू। जगह जगह एरो दे रखे हैं, और बहुत ही सुंदरतम माँ की फोटो। आइए। पूरा भ्रमण करना है बलराम के साथ जोधपुर किले का। झरोके, छोटे छोटे हर जगह खिड़कियां। अभी किधर, लेफ्ट राइट। यस, यहाँ से आते हैं
पूरा ही समझकर यहाँ से बाहर दिखता है जोधपुर कैसा है। वहाँ से मैंने एंट्री करी थी ये ऊपर से फिर दिखेगा जोधपुर क्या है, कैसा है जोधपुर, किला कैसा है। यस, अपनी गाड़ी वहाँ पर है भाई, फिर दिखा दूँ मैं। यस, वहाँ हम गाड़ी को लगा करके आए हैं जो उल्टी दिशा में है पूरी दुनिया को लगता होगा बलराम उल्टा ही चलता है, मेरी गाड़ी का मुंह केवल उल्टा है, बाकी सबके मुंह सीधे हैं। ये है कंपास बलराम का। वहाँ से हम नीचे से आए थे, ये गेट से एंट्री करते 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 ऊपर आ गए। यस, हाँ ये मैं दिखा रहा था नीचे से जब कि कबूतर कैसे अपनी जगह ढूंढ लेते हैं, वहाँ से मैं दिखा रहा था आप लोगों को, अभी ऊपर ही देखते हैं। आइए, ये यहाँ से सरदार विलास, दरवाजे छोटे खिड़कियाँ जो इनके थे बनाते थे जिस तरीके से। दरवाजे खिड़की किस तरीके से थे वो दिखाया गया है यहाँ पर उस जमाने में, और हमारे से कहीं आगे थे, वो अपडेट थे, बनाने की कलाकृति डिजाइन तरीका एकदम प्रीमियम, छोटी छोटी सी नक्काशी और सुंदरता कैसे बना रखी है। हाँ वही बता रहा हूँ मैं, खिड़की है ये उसका नकुचा खिड़की का कब्जा उसके ऊपर भी, मतलब सुंदरता दी गई है, मूर्ति बनाई गई है और क्या गजब कलाकृति है, खिड़की के ऊपर फूल सुंदरतम, ये दरवाजा, ये बड़ी खिड़की। आइए आइए, मतलब जो मुझे देख रहे हैं किसान पाठशाला चैनल पर वो भी आइए मेरे साथ साथ, वो भी विजिट कीजिए। ओहो गजब, यहीं रुक जाते हैं भैया आज एक सप्ताह के लिए कम से कम, वाकई में घर होना चाहिए ऐसा। भैया ये बांस का पर्दा, ऐसे ही चिपलियों से बांस के पर्दे बनाए जाते हैं, ये बांस की चिपलियां हैं और ये पर्दे बनाते थे पहले। ये दरवाजा बहुत ही हैवी बनाते चले। यस 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 यस, जहां से मैंने एंट्री किया है देखते रहो यार, बुलवाओ मत मुझसे, मुझे महसूस करने दो मैं कहां पर हूं और क्या फील कर रहा हूं इस सुंदरतम दृश्य को। ऐसे छज्जे शायद आज हम बनाने जाएंगे तो एक ही महीने में टूट के गिर जाएंगे। ये जो कॉलर इसका लटक रहा है, ये हमारे आज के अपडेट कारीगरों से तो नहीं बन सकता, पत्थर की नक्काशी, मोती महल। जी भैया हम कहाँ पर हैं और ये क्या जगह है? ये मोती महल, हमारा वीडियो मत बनाओ सर। ओके, मोती महल। हाँ जी मोती महल है, यहाँ पे महाराजा साहब
सभा करते थे, सामने राजा बैठते थे और अच्छा, साइड में उनके वो बैठक स्थान जी सभासद उनके भाई और अंकल्स होते थे ज्यादातर। हाँ हाँ हाँ। रानियां यहाँ नहीं आ सकती थी, पर्दा था, मुसलमानों का राज था। अच्छा, राइट हैंड साइड में एक गैलरी बनी हुई है, उसके पीछे रानियां। अच्छा, वो सामने जो पर्दे लगे हुए हैं उसके पीछे। ओके, आइए दरवाजे खिड़कियां तरीके ये किला मुझे लगता है 2-4 दिन तक तो खत्म नहीं होगा, है ना, घूमते घूमते भी, और होना भी नहीं चाहिए, ये अजूबों में शामिल होना चाहिए। पूरे पत्थर का है ये सॉलिड, और उस समय इस पर कैसे नक्काशियां करी गई होगी, कैसे बनाया गया होगा यार, कहाँ कहाँ दिमाग रखा होगा और कैसे बनाया होगा। ये जो तिकुने झालर्स हैं सारे पत्थर के हैं, एक एक साइड से दिखाता हूँ मैं आपको। कबूतर अपना कमाल दिखा रहे हैं। आइए, इधर से है? यस, फॉर कंटिन्यू। यस, मैं भूल गया था, एरो लिखा है मेहरानगढ़। शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ पर, टी शर्ट्स वगैरह सब कुछ है। ओके जी, गेट की सुंदरता, पत्थर का बना हुआ है ये पर्स का, अंदर तो वो खरीदी के लिए दुकान है, शिफ्ट बाजार। ओके, खरीदी वगैरह करना हो तो मार्केट है यहाँ पर। चादरें, आभूषण, चुनरी, जूती, ओहो जूती भी है भाई यहाँ पर। बहुत ही सुंदर शूज, जूती, राजपूताना। मुझे कच्छ कल पहुंचना है, कल 15 तारीख है, 15/1/2021 कच्छ में बाम्बू टू CNG की बैठक है, और बी किसान APC के बारे में भी है। हम लगभग एक साइड पूरा जोन विजिट करके आए हैं अब। गजब गजब गजब, बहुत ही सुंदर। दूसरी साइड हम पहुंच रहे हैं, जोधपुर है, वहां से हम अंदर इंटर हुए थे, पूरा म्यूजियम घूम करके सारा कुछ निकल करके वापस यहाँ से उतरे हैं अभी बाहर। वो अंकल जी से समय लिया था, कि पूछा था किधर जाएंगे। यहाँ से अंदर गए थे अपन, ये अंकल जी से गए थे अंदर, अभी इधर चलेंगे। यस। ये राजस्थान की सुंदरता है।
बिल्ले होंगे इसमें दर्दस्त होगा। भैया आपका चेहरा दिखा दो एक बार। बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा बजाया आपने, थैंक यू भाई। चेहरा दिखा दो हमें पता चले किस मित्र को हम सुन रहे थे अभी। मास्क नीचे करके वापस लगा लो। ये राजस्थान की मूछें देखना थी हमें, आपके मास्क से छलक रही थी वो, थैंक यू। राजस्थान मूछों वाला गांव है, मूछों वाला देश है, मूछों वाला शहर है। क्या सुंदर बनाया है यार, मैं तो धन्य हो गया आज विजिट करके यहाँ पर है। इसे कहते हैं घर, महल। अभी हम लोगों से बनते नहीं घर, तो हम इसे कहते हैं महल। है अंकल, हमसे ऐसा घर नहीं बनता तो हम कहते हैं महल। हाँ, कैसे नक्काशियां करी गई है, पत्थरों में डिजाइन डाली गई है, झरोके हैं। ये छोटा छोटा सा ओहो, गजब तोड़े खाना बनाने के लिए खेजड़ी, ये यहाँ का प्रसिद्ध पेड़। तोड़े उस जमाने के भोजन बनाने के लिए, झरोके अंदर से कुछ आदान प्रदान करने के लिए था। यस, ये खिजड़ी का पेड़ है। राजस्थान की अलौकिक सुंदरता में सुंदरता बढ़ाता रहता है ये। गर्मी आ गई भाई, टी शर्ट ही रखेंगे, बाकी तो जर्किन निकालने जैसा मन हो रहा है। गजब गजब गजब, शब्दों को सुनना बंद करो, ये दृश्य को महसूस करना चालू करो। नीम प्रकृति का भी ध्यान रखे हुए हैं। त्रिवेणी यहाँ पर है, खिजड़ी के साथ में पीपल है। अंकल पानी पीना है, पानी के लिए भी है। पी लेते हैं। हाँ, मास्क तो हटाना पड़ेगा पानी पीने के लिए। ये कैमरे के ऊपर कबूतर ना बैठे, इसके लिए ये खड़ी छोटी छोटी प्लास्टिक की नुकीली नोकें लगा रखी है, कबूतर ना बैठे कैमरे पर इसलिए। आइए स्पीड बढ़ाते हैं, हमें कच्छ भी निकलना है यहाँ से अभी। मेरे
हाँ, ये मिनी स्प्रिंकलर है हरियाली करने के लिए अंदर। पूरा रोड फर्श से, लाल फर्श से बनाया हुआ है। पत्थरों की दीवारें चारों तरफ, ओनली पत्थर ही पत्थर। जयपुर को जैसे पिंक सिटी कहा गया है, वो लाल पत्थरों के कारण ही कहा गया है। गेट की नो एंट्री है इधर, दो तरफ ये एंट्री है जहाँ तोपे लगा रखी है। किले की रख रखाव के लिए कोई यहाँ आक्रमण ना करे, यहाँ आगे जाना मना है ये लिखा है, तो हम नहीं जाएंगे, हम यहीं से देखेंगे। ये सारा तोपों का संग्रह है कि कोई इस किले पर निगाह न गलत दौड़ाए उसको रोकने के लिए। ओहो, किस तरह की तोप है ये देखने को मिलेगा। चक्के इनके छोटा पहिया फिर बड़ा पहिया, तोप का साइज ये मुझे लगता है 10 आदमियों से हिलेगा मुश्किल से, चलेगा तो ज्यादा लोगों से। पत्थर की तोप है, पत्थर की बनी हुई है। हाँ, बीड टे, यस, ये यहाँ से आग लगाने का है। व्हील चेयर ये फिक्स। ओहो, उठा करके रखने के लिए कड़े हत्ते सब कुछ। हम किले के ऊपर छत पे हैं जहाँ से किले की निगरानी रखी जाती थी कि कोई किले पर आक्रमण ना करे, और तोपे तैनात रहती थी हमेशा कि यहाँ कोई आक्रमण करेगा तो उनको इनसे पहले बात करनी पड़ेगी। हाँ, पहले तोपों से बात करनी पड़ेगी। और भी उधर भी है लेकिन देखने के लिए केवल इतनी ही जगह रखी है। किला तो काफी और भी बड़ा है लेकिन जो चीजें केवल दिखानी थी उतनी ही दिखा रहे हैं। ये उस समय का नहाने का तालाब वगैरह कुछ हुआ करता होगा। आइए, बहुत ही सुंदर, पूरे भारत ने विजिट करने के लिए आना चाहिए और भारत का इतिहास देखना चाहिए क्या है, समझना चाहिए हमारे अंदर कितनी काबिलियत है और हम आगे क्या कर सकते हैं। ये सब ऐसी चीजें देखने पर समझ में आती है। बहुत पीछे हैं। यस भैया, इसके आगे किधर जाना है? सीधे नीचे, ये लगभग हो गया है एंड पॉइंट। ओके, थैंक यू। किला काफी बड़ा है लेकिन विजिटरों के लिए इतनी चीजें खोल के रखी है कि इतना आप देख सकें। अब मैं रिवर्स जाते जाते फटाफट आपको बतला देता हूँ। सफाई कर्मचारी घास वास को ऊपर से ब्रश कटर से काट रहे हैं। ये कुछ जगह छूटी है अपने से। ये कर्मचारियों के कॉटेज होंगे, ये लेट बात है, वॉशरूम है ना। आइए, वही है ना। हाँ, पूरा पत्थरों से इस तरीके से संरक्षित किया है और गवर्नमेंट भी काफी ध्यान दे रहे हैं इस पे। थैंक यू भारत। हाँ, ये उनका ध्वज है महाराजा शाह का। यस। Yeah.
पापा अपने बच्चों को खिलान पिलान कर रहे हैं और होना भी चाहिए। छोटे छोटे हिस्सों में कुछ न कुछ कलाकृतियाँ बेचने के लिए, घोड़े यहाँ पर दिखेंगे, ये छापे लगाने के लिए, मेहंदी लगाने के लिए कठपुतली, यस कठपुतली का खेल। शॉर्ट में स्पीड में अभी बस वापस पुनः नीचे जाते हुए, बहुत ही सुंदर आज का दिन बीता और कुछ चीज़ें छूटी होगी आते समय, वो अब देखते हुए जा सकते हैं। छोटे छोटे छज्जे खिड़कियां तो ये बाद में लगी है ऊपर, लेकिन किस तरीके से वो मेंटेन करते थे उस समय। अभी हमें 20x50 में मेंटेन करने में झाड़ू कैसे लगाएंगे वो सब ध्यान रखना पड़ता है। ये गेट के अंदर पूजा करने के, स्वागत करने का एक रीति रिवाज जो हिंदू धर्म में होता है। सुंदरता को संजोते हुए ना। ओके सुंदरता की परिकाष्ठा, शब्द छोटा है इसके लिए। सुंदरतम दृश्य, सुंदर कलाकृतियां, सुंदर अनुभव, सुंदर महसूसपन, सभी कुछ मिलेगा जोधपुर के किले में और प्राकृतिक पत्थरों से बना हुआ। बहुत गजब। मैं रिवर्स हो रहा हूँ एक एक गेट से वापस पुनः अपने कार पार्किंग की तरफ। थैंक यू राजस्थान, मैं आ चुका हूँ आपके पास। अब रेगिस्तान को वापस
राजस्थान में कन्वर्ट करने के लिए बलराम किसान और किसान पाठशाला जरूर जरूर जीवन अपना लगाएगा, समय लगाएगा, लगाना चालू कर दिया है। और सारे राजस्थान वासियों को कहना चाहूँगा, आइए मिल के धमाल करते हैं, रेगिस्तान को पुनः राजस्थान बनाते हैं। यहाँ पर भी है बचा हुआ, यस। मैं तो सोच रहा था अभी घर जाना है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। यस, ये नीचे दूसरे गेट पर, हम अभी ऊपर गए थे, अब नीचे। गणेश जी हिंदू धर्म में प्राथमिक गणेश पूजन, गणेश जी रहते ही हैं। यस, ये दरवाजे इनके उस समय का। गाइड लेकर के अगर आएंगे यहाँ विजिट करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यस, ये जगह जगह गाइडेंस दे रहे हैं सभी को। हाँ, यही गेट था हमारे अंदर जाने का, टिकट काउंटर। हम वापस आ गए हैं टिकट काउंटर पे, मैं समझा दूसरे रास्ते पे आए हैं। ये जगह बची है क्या? अच्छा, ये लिफ्ट वाला प्रोग्राम है, यहाँ से जाएंगे तो इसके अंदर लिफ्ट है। हम पैदल पैदल गए थे, सीधे लिफ्ट से ऊपर जा सकते हो, और हम गए थे इस वजह से पैदल पैदल। हाँ, यस। काफ़ी पर्यटन आते हैं यहाँ पर, टूरिज्म प्लेस है इंडिया का सबसे बड़ा, अच्छा, बेहतर। थैंक यू राजस्थान, मुझे इतनी सुंदर कलाकृतियाँ दिखाने के लिए। हम समय पे आ गए थे, वरना अभी लाइन लग रही है टिकट के लिए। यस, सब ये छोटे छोटे मूवमेंट को अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं, और सभी को ऐसा लग रहा है कि ये मूवमेंट हमारे साथ जाना चाहिए। थैंक यू राजस्थान, मैं हूँ राजस्थान के साथ आगे जीवन बिताने के लिए। रेगिस्तान को पुनः राजस्थान बनाने के लिए मैं आ चुका हूँ राजस्थान में। जिस मित्र को साथ आना हो, 75875 38222, 7587538322, और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। हरियाली, हिल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री और बंजर ज़मीनों में हरियाली कैसे लेकर आए, तो बी किसान FPC रन हो रहा है इस पर, और आप सभी का स्वागत है। कोई भी मित्र आकर रन हो सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिसको अच्छा लग रहा है, ये जोधपुर का किला, अपने मित्रों, रिश्तेदारों, दोस्तों को दिखाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी पता चले, जो यहाँ नहीं आ सकते हैं वो किसान पाठशाला के माध्यम से जोधपुर का किला देख सकते हैं। मैं बलराम किसान, बड़वानी मध्य प्रदेश से हूँ। सौभाग्य है राजस्थान जोधपुर किला विजिट करने का मौका मिला। थैंक यू।